24 आवर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। सबसे तेज खबर पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यूपी के लखीमपुर में दुधवा टाइगर रिजर्व की बफर जोन पलिया संपूर्णा नगर एवं सटियान की सीमा पर रविवार को तेंदुए का शव मिलने से हड़कंप मच गया। जिम्मेदार अधिकारी तेंदुए की किसी जंगली जानवर से लड़ाई में मौत होने की दुआई दे रहे हैं। यहां आपको बता दें कि वन रेंज पलिया कला में तेंदुआ की सुरक्षा में लगी एसएसबी जवान व मौके पर पहुंचे एसएसबी कमांडेंट मुन्ना सिंह ने निरीक्षण कर तेंदुए का शव अपने कब्जे में ले लिया। तेंदुए की उम्र लगभग 3 से 4 वर्ष की बताई जा रही है एवं मौत का कारण पीएम के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। वहीं इसकी जाँच में डॉग स्क्वाड की टीम डॉग कीनू के साथ निरीक्षण के लिए जंगलों में सुराग की तलाश में लग गई। लखीमपुर खीरी से विवेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। मिले हैं इससे ये लग रहा है कि ये प्रथम दृष्टया एक इन फाइटिंग का केस है और इसमें जैसा कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है एनटीसीए का, हम इसमें केस दर्ज करेंगे, इसकी तहकीकात करेंगे। एक कम से कम तीन डॉक्टरों का एक वेटनरी डॉक्टर्स का पैनल बनेगा जो इसका पोस्टमार्टम करेगा और सारे अदर विसरा जो है हम इन्वेस्टिगेशन के लिए IVRI भेजेंगे और उसके बाद हम इसको कंक्लूड कर पाएंगे। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हर डेथ को अननेचुरल डेथ मानता है, हम इसको अननेचुरल डेथ मान के ही इसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, इस लेपर्डी की उम्र कितनी होगी? इसकी उम्र जो अभी देखने में लग रही है इसके दांत और इसके साइज से, वो ये लग रही है कि ये वयस्क है, लगभग 3 से 4 वर्ष के बीच हो सकती है। जहाँ जहाँ मृत पड़ा हुआ लेपर्ड क्या है, जो फाइट हुई है वो यहीं पर हुई है कि अदर जंगल? यहाँ पे ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है, लेकिन आसपास जो बाल गिरे हुए हैं और जो पंजों के निशान हैं यहाँ बंधे पे, ये लगता है कि इसके आसपास ही, या संभावित है कि इस खेत में भी जो है आपसी द्वंद्व।